दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एक्सिस बैंक में अगर मैं आपका एक खाता है मतलब आप एक्सिस बैंक में खाता खुलवाए हैं तो आप उसमें मोबाइल नंबर चेंज करने का या अपडेट करने का ज़रूर सोचते होंगे, बट आप चेंज कैसे कर सकते हैं, अपडेट कैसे कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि आप ATM मशीन से कर सकते हैं या ब्रांच से कर सकते हैं या आप ऑनलाइन कर सकते हैं मोबाइल से। तो इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो मैं आपको पहले बता दूँ कि अगर मैं आपको चेंज करना है तो आप दो ही माध्यम से कर सकते हैं, पहला है ब्रांच और दूसरा है आप ATM मशीन से कर सकते हैं, इंडिया के किसी भी बैंक के ATM मशीन से कर सकते हैं, वो भी एक्सिस बैंक का होना चाहिए, और दूसरा है ब्रांच से कर सकते हैं। पर तीसरा ऑप्शन ये नहीं है कि आप मोबाइल से कर सकते हैं। भविष्य में अगर मेरा ऑप्शन आता है मोबाइल से करने के लिए ऑनलाइन तो मैं आपको वीडियो ज़रूर बनाऊँगा, बट अभी जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि ATM मशीन से मोबाइल नंबर चेंज कैसे करते हैं, इस वीडियो को लास्ट तक आपको ज़रूर देखना है, मोबाइल नंबर चेंज करना है। बट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को एक इमेज के एडिट करके बनाया हो, तो वीडियो को प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। तो आपको अपने नज़दीकी ATM मशीन पर जाना है एक्सिस बैंक में, और जाने के बाद अपना ATM कार्ड स्वाइप करना है ATM मशीन के अंदर। स्वाइप करते ही आपको कुछ इस तरह का दिखाई देगा, और उसके बाद आपको यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट करना है जिस लैंग्वेज में आपको समझ में आए, और जैसे लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे तो कुछ देर प्रोसेस करेगा, अब आपको कुछ देर वेट करना है, और उसके बाद कुछ इस तरह का आएगा। अब आपको यहाँ पे नीचे एक ऑप्शन रहेगा रजिस्ट्रेशन, ठीक है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन पे आपको नीचे वाले पे क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पे बोलेगा आपको पिन डालने का, तो जो भी आपका ATM का पिन रहेगा 4 डिजिट का वो डाल देना है। जैसे 4 डिजिट का डालेंगे तो कि ऊपर लेफ्ट साइड में रहेगा मोबाइल नंबर अपडेट, ठीक है, लेफ्ट साइड में देख सकते हैं। यहाँ पे जब आप ATM मशीन पर जाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में जरूर देखाएगा मोबाइल नंबर अपडेट, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ देर वेट कीजिएगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे भी बोलेगा कि आपका सेविंग अकाउंट है या करंट अकाउंट है, तो आपको सेविंग अकाउंट पर क्लिक करना है। अगर मैं करंट होगा तो करंट पर क्लिक कीजिएगा, बट सेविंग अकाउंट पर ही क्लिक कीजिएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे अकाउंट नंबर दिखाएगा, उसके बाद आपको यहाँ पे बोलेगा अपडेट, आपको अपडेट पर क्लिक कर देना है। जैसे अपडेट पर क्लिक करेंगे अब आपको यहाँ पे बोलेगा अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालने के लिए, तो जो भी आपका नया वाला मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड करना है वो आपको डाल देना है। तो जैसे कि मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, और डालने के बाद आपको यहाँ पे कंटिन्यू पर क्लिक करना है। कंटिन्यू पर जैसे क्लिक करेंगे आपको फिर से मोबाइल नंबर डालना है, यहाँ पे मतलब दोहराना है उसको मोबाइल नंबर डाल के, ठीक है, मतलब री एंटर डाल देना है ये मोबाइल नंबर, और फिर से आपको डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। और जैसे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपको कुछ देर वेट करना है, और जैसे वेट करते ही आपको कुछ इस तरह का आपको स्क्रीन पर आ जाएगा, ठीक है, कि आपका मोबाइल नंबर सक्सेसफुल अपडेट कर दिया गया, मतलब चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो जैसे आपको इस तरह आ जाता है तो मोबाइल नंबर तुरंत आपका चेंज हो जाएगा, तो आप इस तरह मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि हमारा आपको वीडियो जरूर पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक बात मैं आपको बता दूं कि ये इमेज के थ्रू बनाया हूँ वीडियो, बट आपको सेम ATM मशीन का सेम ऐसे ही सेम आपको दिखाएगा, आपको इससे कोई भी फर्क नहीं दिखेगा वहाँ पर जाएंगे तो। बट इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगा था, प्लीज़ एक लाइक हमें जरूर कीजिएगा। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।